जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। करेंट एज 25 ईयर्स गर्ल। आपके कुछ सवाल हैं जिनका आप जवाब जानना चाहते हैं। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट पाम से, यहाँ से जानेंगे आपके डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, फिर चलेंगे आपके राइट पाम में एंड वर्तमान जो कर्म आधारित आपका जीवन है उसके संबंध में हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र से, यहाँ की कैसी स्थिति है। इसी मध्य में जो आपके सवाल है उसे भी हम लेते रहेंगे और उसका जवाब भी हम आपको देते रहेंगे। आपके गुरु पर्वत क्षेत्र की जो है कि स्थिति है काफ़ी बेहतरीन, वेल डेवलप्ड और आपके एक उज्जवल भविष्य को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करती है, जिसमें आपके जीवन में तमाम प्रकार की खुशियां यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। एकाध शुरुआती दौर में आपके समझ आने वाली और आपके हिसाब से जिसे आप खुशियाँ कहते हैं वैसी खुशियों के अलावा, यानी कि शुरुआती कुछ खुशियाँ आपको नहीं मिलेगी, तत्पश्चात जो किस्मत ने आपके लिए तय किया है उसमें सिर्फ आपके लिए खुशी ही खुशी है। इसके अलावा जो ये पर्वत क्षेत्र है ये काफ़ी सुंदर स्थिति में है। यहाँ की स्थिति स्पष्ट बता रही है कि आगे का जीवन आपका जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। आगे के जीवन में धन, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। साथ ही आप अपने जीवन में खुद से रोजगार की प्राप्ति करेंगे, यानी कि आप सरकारी नौकरी की तरफ अगर जाने की इच्छा रखती हैं जैसा कि आपकी हथेली बता रही है तो निश्चित तौर पे आपको प्राप्त होगी और आपके उम्र के 27वें वर्ष से पहले पहले तक नौकरी की प्राप्ति आपके लिए निश्चित है। इसके अलावा आप जिस भी धर्म को मानते हों उस धर्म के प्रति आपकी निष्ठा जितनी बेहतर रहेगी आपको जीवन में उतनी ही बेहतर शांति की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हो उन सबका पूर्णतः सम्मान करें, किसी भी प्रकार से कभी भी उनका अपमान न हो इसका हमेशा ध्यान रखें। आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आपके जीवन में परिस्थिति आपके हक में उतनी ही ज़्यादा आती चली जाएगी। मध्य के क्षेत्र में क्रॉस की जो स्थिति यहाँ पर बन रही है ये भी आपके लिए अत्यंत शुभ है। इससे सबसे पहले जो गुरु का सुप्रभाव है वो भी आपके जीवन में बेहतर तरीके से मिलने के यहाँ पर चांसेस हैं। साथ ही सरकारी नौकरी के योगों को भी ये स्पष्ट करने का स्पष्ट तौर पे काम कर रहा है। आपको वाणिज्य के क्षेत्र में भी अगर आप आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पर स्पष्ट तरक्की के योग बने हुए हैं। साथ ही विवाह उपरांत जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ काफ़ी लाभ की स्थिति बनेगी और घर की लक्ष्मी की तरह वहाँ पर आपका मान आदर स्पष्ट तौर पर और निश्चित तौर पर होगा। इसके अलावा अगर आपके शनि के क्षेत्र को हम देखते हैं तो यहाँ की जो स्थिति है वो आपके हक में नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य विकार यानी कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके जीवन की तरफ स्पष्ट तौर पर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में खासकर ब्लड रिलेटेड इश्यूज, ऑर्गेन्स रिलेटेड इश्यूज आपके जीवन की तरफ बढ़ेंगे। खासकर गले से ऊपर के क्षेत्रों में आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएँ दिख सकती हैं। कान से संबंधित, आपके दांत से संबंधित और मानसिक तौर पे कई बार जिसे आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेस में जाना, एक डिप्रेशन की तरफ जाना, ऐसी चीज़ों की तरफ आपको ये ले जा सकता है। हालांकि ये बहुत छोटे समय तक के लिए रहेगा और इससे उभर के आप फिर से बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर इसे समय रहते आप इस पर कंट्रोल आपने नहीं पाया तो एक समय ऐसा आएगा जो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक भी साबित हो सकता है, तो इस पर आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके हाथ से पैसों के फिजूल खर्ची बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिखा रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जहाँ पर भरोसा न हो वहाँ पर निश्चित तौर पर अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी न करें। अपने पैसे किसी और को न दें, जैसे कि माँ, पिता या हस्बैंड, किसी को नहीं। आपको अपने पैसे अपने ही पास रखने की आवश्यकता है, अन्यथा जैसे ही आप पैसे किसी और को देंगे आपके लिए वो पैसे दुभर हो जाएंगे और शायद उसके बाद पूरा आपको कभी मिल भी ना पाए, तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बाहर की तरफ जो जाती हुई रेखाओं की स्थिति है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये कई दफ़े मान हानि करवाने की स्थिति की तरफ बढ़ सकती है, इसलिए ऐसे जातक को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। और जो लोग भी जिस पर भी आपको पता चले कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं या मेरे अंदर बुराई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें, अन्यथा उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा आपके मान प्रतिष्ठा को आघात लगाने के लिए वो काम कर सकते हैं। आपके सूर्य की अगर स्थिति देखते हैं तो नेत्र संबंधित विकारों को स्पष्ट तौर पे दिखा रहे हैं और हड्डी संबंधित जो कुछ समस्या है उसे भी दिखाने का एक काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये आपके आत्मबल को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा इनफैक्ट कि जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसमें भी आपका आत्मविश्वास
हिल जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं, मैं काबिल नहीं हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है और मैं इन चीज़ों को नहीं कर सकता हूँ, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती के रूप में आपके जीवन में ये चिन्हित हो जाएगी। इसलिए आपके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि अपनी जो क्षमता है उसे कभी भी कम ना आंकें और उस पर पूर्णतया भरोसा करते हुए आगे की तरफ बढ़ें। कई दफ़े आपके जीवन में ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, इन चीज़ों को हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े के काबिल लोग इसमें पड़े हुए हैं, हमारी क्या बिसात है, हम किस खेत की मूली हैं, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी वहाँ पे। इसलिए आपको अपनी तरफ से अपना संपूर्ण देना है और आप देखोगे कि नतीजे आपके पक्ष में बिल्कुल आ रहे हैं और आश्चर्यजनक रूप से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा चढ़ा महसूस करोगे। इसलिए कभी भी जब भी कुछ मुश्किल स्थिति आए उस समय और भी ज़्यादा स्ट्रांग होकर आपको वहाँ पर आगे बढ़ने का काम करना है। इसके अलावा आपके बुध की स्थिति को देखते हैं तो यहाँ की स्थिति आपके हक में है। बुद्धि विवेक के बीच जो सामंजस्य है सिर्फ आत्मविश्वास का साथ मिल जाए तो बेहतर गति से आपके लिए काम करेगा और बुद्ध का प्रभाव आपके समस्त जो यहाँ पर पड़ोस क्षेत्र और रेखाएं हैं उस पर स्पष्ट तौर से पड़ता हुआ दिख रहा है। आपकी जो शादी होगी, आपका एक सर्वप्रथम सवाल था कि क्या आपकी लव मैरिज यानी कि आपकी पसंद से क्या आपका विवाह होगा, जिसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम विवाह के जैसे कोई योग आपकी हथेली में नहीं। हाँ बिल्कुल, प्रेम विवाह प्रेम लंबे समय तक आप निभाने की स्थिति में यहाँ पर है, लेकिन प्रेमी के साथ विवाह की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और अरेंज मैरिज यानी कि व्यवस्था विवाह के द्वारा ही आप पाणिग्रहण संस्कार करेंगे और वो जीवन आपका बहुत ही सुंदर होगा, आपने जैसा सोचा होगा उससे भी ज़्यादा रूपवान, गुणवान और पर्सनालिटी वाइज बहुत ही बेहतर व्यक्ति आपको जीवन में प्राप्त होगा, जो कि निश्चित तौर पे सरकारी सेवाओं में कार्यरत होगा। इसके अलावा जो आपकी शादीशुदा जिंदगी होगी वो काफ़ी बेहतर जाएगी, लेकिन शुरुआती कुछ समय में कुछ परेशानियाँ वहाँ पर आ सकती हैं जिसकी एकमात्र जिम्मेदार आप वहाँ पर होंगी। इसलिए आपको चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खुद को भी समझाने की ज़रूरत है कि दुनिया क्या है, रियलिटी क्या है और किस तरीके से दुनियादारी निभाई जाती है, अन्यथा आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए परेशानियों में स्पष्ट तौर पे डालने की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं नीचे के क्षेत्रों में और जो बाकी पर्वत क्षेत्र हैं उसके विषय में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मंगल के इस प्रथम पर्वत क्षेत्र है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ की स्थिति जातक के हक में है। जातक अपने पिता को कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी ना करें, अन्यथा आपके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाएंगे। जातक को लाल वस्त्र निश्चित तौर पे हमेशा धारण करना चाहिए। जातक को जानवरों से दूर रहने की ज़रूरत है, यानी कि ऐसे जानवर जो कि आप पर हमला कर सकते हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। बिल्डिंग और बड़ी ऊंची जगह पर कभी भी ना जाए, अन्यथा वहाँ से आपके जीवन को खतरा हो सकता है, तो उससे बचने की आवश्यकता है। सारी बातें मन में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो भी बातें हो अगर मुश्किल हो तो अपने जो वेल विशर्स हैं आपके, जो अपने परिवार वाले हैं उनसे निश्चित तौर पर बात करें और फिर आप आगे बढ़ें, अन्यथा क्या होगा चीजें आपके जीवन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की तरफ बढ़ सकती है। इसके अलावा कहीं भी दिल से ज्यादा काम न ले, दिमाग को निश्चित तौर पे इस्तेमाल करें क्योंकि वो सिर्फ रखने के लिए नहीं दिया गया है, पूर्णतः इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। तो आप करेंगे तो आपके जीवन में परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेगी, अन्यथा आप परेशानियों की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे मंगल की अगर बात करें तो घूमने फिरने का शौकीन आप हैं और आगे जो स्थिति है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मौके मिलेंगे। इनफैक्ट कि आफ्टर मैरिज आप बाहर के राज्यों की तरफ या बाहर के सिटीज़ में आपके यहाँ पर रहने के स्पष्ट योग बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं आपके शुक्र के क्षेत्र की यानी कि विनस के इस माउंट की, तो यहाँ की जो स्थिति है ये अत्यंत सुंदर है और तमाम प्रकार के जो यहाँ पर पुरुषार्थ है वो आपको प्राप्त है। और अगर आपने अपने आत्मविश्वास पर भरोसा किया, खुद पे भरोसा किया, आत्मविश्वास को बढ़ाया, तो आप अपने जीवन में इसी क्षण से, इसी पल से आप अपने आप को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग, इतना साहसी, इतना ताकतवर फील करेंगे कि पूछे ही ना। आपको अपने जीवन में तमाम प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होनी है, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस एटसेट्रा, जो भी आप सोच सकती हैं वो सब कुछ यहाँ पर जातक को प्राप्त होगा। और जातक जहाँ भी जाएगा वहाँ के लोगों को जिस भी हाल में होंगे उससे बहुत ही अच्छी स्थिति की तरफ पहुँच जाएंगे और उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। जिस भी घर में चली जाएंगी वहाँ की जो समस्या होंगी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ऐसे ही योग स्पष्ट तौर पर जातक के लिए बने पड़े हैं। अगर हम बात करें चंद्र के क्षेत्र की, तो यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। ये आपको बताती है कि किस प्रकार से आपने अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग न किया है और अपने आप को कुछ छोटी मोटी चीज़ों में उलझा के आपने रखा है, यानी एक जिसे कह सकते हैं कि आप बने हैं बड़े काम करने के लिए लेकिन आपको
पता ही नहीं है कि आप क्या हैं और आप फालतू में अपनी ज़िंदगी यहाँ पे कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को दिखा रहा है कि आपको अपनी जो आपका उद्देश्य है उसे आपको समझना पड़ेगा। आपके लिए बड़े उद्देश्य निहित हैं और आप अगर किसी भी प्रकार से छोटी मोटी चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में अपने समय को अगर बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा जब हमने देखी थी ऑफलाइन स्टडी में, तो चीज़ें बता रही थी चंद्र के साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रही थी, यानी कोऑर्डिनेशन था इनका। और जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, सिर्फ फालतू की चीज़ें हमारे मन में चलेंगी, इधर उधर की चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ेंगे, हमेशा एक टेंशन में रहेंगे, शंका में रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा ही नुकसान हो जाए। ठीक है, रातों को बहुत देर तक हम जगे रहेंगे और किताब या पढ़ाई लिखाई का कुछ भी लेके बैठो तो बड़ी ज़बरदस्त नींद आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, इनसे बचने की ज़रूरत है। अहले सुबह उठ के और प्राणायाम करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मानसिक तौर पर आपकी शांति भंग हो रही है और वो आपके बेहतर जीवन को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचाने का काम कर सकती है। केतु का क्षेत्र आपका यहाँ पर पूर्ण तौर पे ग्रहण इस पे लगा हुआ है, और जब केतु पे ग्रहण होता है तो आत्मज्ञान कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, और जब ये कमज़ोर पड़ जाता है तो हम गलत फैसले लेने की तरफ बढ़ते हैं। और अब फिलहाल आपकी जो उम्र है, आप उसी पड़ाव पे खड़े हैं और इस समय आपके मन में जो भी चीज़ें, खासकर अपने जीवन के लिए जो बड़े फैसले करने की आप सोच रही हैं, वो बिल्कुल गलत है और आपको उससे किनारे हट जाने की ज़रूरत है। कई बार जोश में हमें सिर्फ सकारात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव हमें कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उस जीवन में हम जाते हैं तो दो चार दिनों के बाद चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, सारा नशा टूट जाता है और फिर हमें पता चलता है कि हमने अपने पैर को ले जाके कुल्हाड़ी पे मारी है और फिर अब इसका कोई उपाय नहीं हो सकता है। चीज़ें उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं या हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इस मामले में कहीं ना कहीं अगर शुरुआत में ही हम चीज़ों को बेहतर से समझ लें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। कैसे समझ सकते हैं? इन चीज़ों को समझने के लिए आपको खुद को स्थिर करने की आवश्यकता है। अभी आप उड़ रही हैं, ये जो एक सोच होती है ना, जब आप किसी प्रकार के नशे में आ जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा ज्ञान बिल्कुल बंद हो जाता है, उसे हम डब्बे में डाल के और उसे लॉक करके और चाबी को फेंक देते हैं आंख बंद करके समंदर में कि बस लहरों के साथ चला जाए। लेकिन यहाँ पर वो नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकली लाइफ को देखना है। जब भी देखो क्या होता है, मैं ये बात कर रहा हूँ खासकर आपके लव लाइफ को लेकर। जब आप किसी से मिलते हो ना, तो कोई भी बंदा या बंदी अपना बेस्ट ही आपके सामने देगा एक छोटे से समय के लिए। ठीक है, मिले, डेट किया हमने 10 डेज और 20 डेज और मंथ और ईयर्स, तो एक छोटे छोटे समय के लिए हम मिलते हैं। तो उस समय अच्छा ये बताओ कौन सा उस समय है जो चड्डी पहन के सिर्फ आ जाएगा या सिर्फ जो है सो कमीज पहन के आ जाए, कौन है जो बिना बाल संवारे आ जाए, कौन है बिना परफ्यूम डाले आ जाए, कौन है उस समय जो होटल में आके बोले कि नहीं हमें कद्दू की सब्जी खानी। नहीं, वो क्या होता है कि आप वो सामने वाला आपके पास जब भी आएगा पूरा ब्रश करके आएगा, कौन जानता है घर पे वो कई दिन ना करता हो, वो जब भी आएगा बड़े साफ कपड़े पहन के आएगा, पता नहीं घर पे वो कितने दिन ना पहनता हो, वो घर में उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, सही से रहता है नहीं रहता है, उसकी सोच कैसी है। क्योंकि आपके सामने जो सबसे सुपीरियर होगा ना, वही दोनों दिखाते हैं, दोनों एक दूसरे से बस छिपाते हैं और जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं ना वो सब दिखाएंगे। और जब रियल लाइफ में आप मिलते हो ना, जब सोना उठना बैठना सब कुछ होता है एक एक पल, तो फिर पता चलता है कि भैया कहाँ एवरेस्ट के सपने देखे थे और ये तो राई का पहाड़ निकला। ठीक, तो कहानी यहीं पे बस शट डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो हर एक चीज़ों को देखना चाहिए। शुरुआत में बात होती है नमक रोटी खा के रह लेंगे और उसके बाद का आपको पता ही है, एक टाइम भी आप नहीं खा के रह सकते यार। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं, नहीं तो अन्यथा बाद में फिर आंसू ही मिलेंगे सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में जो रेखाओं की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा टूट टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है। जब इस प्रकार से रेखाएं यहाँ पर टूटेंगी तो ये क्या करेंगी, आपकी सुरक्षा को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम करती है। ठीक है, और यहाँ की सुरक्षा अगर कमज़ोर हुई, यानी कि आप अपने जीवन में फैसलों के मामले में कुछ गलत दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं और वहाँ पर आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, तो इससे बचने की आवश्यकता है। मध्य के क्षेत्र में अगर आप शुक्र के क्षेत्र में देखेंगे तो जो भी रेखाएं हैं आपके बेहतर भविष्य को स्पष्ट तौर पर इंगित करने का काम कर रही हैं।
अब ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं और जानते हैं राहु के इस क्षेत्र की स्थिति। राहु का जो यहाँ पे हाल है वो आपके हक में है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आपके भाग्य रेखा के इस मध्य में एक बिंदु का होना, यानी कि एक तिल का होना, और ये राहु के क्षेत्र में है। भाग्य रेखा अभी किंग कर्तव्य विमुढ़ता की स्थिति में आपकी हथेली में विराजमान है, यानी कि ये अगले 2 वर्ष में आपके लिए चीज़ों को निश्चित करके आगे की तरफ इसे बढ़ना है या ठिठक जाना है, इसका फैसला करने वाली है। किस्मत तय है, वो हम समझ सकते हैं, वो हम जानते हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ यही जानना जरूरी है कि आप उस दौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे आपको फैसला करना है कि आपको अपने जीवन में उजाला चाहिए या आपको अपने जीवन में अंधेरा चाहिए। सीधी और स्पष्ट बात कि आपको अपने सारे जो भी संबंध हैं और जो भी जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा को पूर्णतः ब्लॉक करना पड़ेगा और उससे आपको बाहर आना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने जीवन को अंधेरे की तरफ ले जाएंगे। इससे ज़्यादा स्पष्ट मैं नहीं कर सकता, आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हैं, और आपकी भाग्य रेखा उसी प्रकार से यहाँ पर आपका साथ देने का काम करेंगे। देखो, होना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बर्बाद कर सकते हो ना, तो मैं नहीं चाहता कि बर्बाद करो, बस यही बात है। इसके अलावा अगर आपके देखते हैं मस्तिष्क रेखा की यहाँ की स्थिति, तो काफ़ी ज़्यादा टूट के बिखर के चल रही है। जब भी किसी भी लड़की की हथेली में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से टूट के बिखर के चले, तो समझो उसका प्रेमवास करना बिल्कुल आसान है। ऐसे लोग हमेशा इमोशन में पड़ के वगैरह वगैरह किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ का कवारा कर ही लेंगे, ठीक है। तो आपके हथेली में जब ऐसी चीज़ें हैं तो आपको बचने की ज़रूरत है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाता है, कई दफ़े आपको इतने हवा की तरफ उठा के ले जाएगा, पूछो ही मत, और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी की बैंड बजा देगा। तो आपको यहाँ पर संभल के चलने की ज़रूरत है, ना ही फेमिनिस्ट बनने की ज़रूरत है, ना ही बिल्कुल गंवार बनने की ज़रूरत है। जो है उसे समझने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रैक्टिकली हो जाओ, हवा में मत रहो, और ना ही बिल्कुल ज़मीन में धंस जाओ। जो है जैसा है उसे वैसे देखना शुरू करो, ठीक है। तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अच्छी रहेंगी। राहु का जो ये क्षेत्र है आपके लिए ज़्यादा नुकसान, अभी ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर रहा है, अभी भी तो साथ ही दे रहा है, लेकिन कब तक देगा इसे आपने तय करना है। जीवन रेखा की स्थिति काफ़ी सुंदर है। इसके अलावा हृदय रेखा की अगर बात करेंगे, तो खुद से आपने अगर खुद को चैन से रहने दिया तो आपकी ज़िंदगी को और कोई बेचैन नहीं करेगा, लेकिन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आप खुद ही साबित हो सकती हैं अगर आपने चीज़ों पर गौर करना आरंभ नहीं किया। इसके अलावा देखते हैं तो आपकी जो बुध की रेखा है यहाँ पर काफ़ी सुंदर है, फिनांशियली लाइफ को आपके बहुत ही सिक्योर करके रखने का काम करेगी, और बस यही समझ लो करोड़पति बना देगी, ठीक है। पद भी देगी अच्छा सा और पैसे भी बहुत ज़्यादा देगी, पैसे के लिए कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही सुंदर स्थिति है, महालक्ष्मी लक्ष्मी योग की स्थिति भी, गजकेसरी योग के योग भी हथेली के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बन रहे हैं और ये आपके हक में है, ठीक है। इसके अलावा अंगूठे का जो ये क्षेत्र है, पूर्ण तौर पे आपके लिए बुधाई की स्थिति है और ये अत्यंत सुंदर है और ये आपके जीवन को काफ़ी समृद्ध करने का काम करेगी, लेकिन इसका प्रभाव आपके टोटल जीवन पर अभी मुश्किल से 30-32% के आसपास ही है, और पूर्ण रूप से आपके जीवन को अभी प्रभावित नहीं कर रहा है। अगले 2 साल में इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर आपके जीवन की तरफ आएगा। अब हम चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में और वर्तमान जो चीज़ें चल रही हैं उसके संबंध में हम जानते हैं। अगर यहाँ की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि आपके गुरु के इस क्षेत्र को ले लें, तो उससे पहले आपके उंगली को ले लेते हैं। उंगलियों को ऑफलाइन में हम ज़्यादातर लेते हैं, वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जो भी प्रभाव है सब जब नीचे बताते हैं उसी समय बता देते हैं, लेकिन चलो आपके लिए नहीं इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो इंडेक्स की यानी कि आपके तर्जनी उंगली की जो यहाँ पर कहानी है वो थोड़ी सी अलहदा है, ठीक है, और यह स्पष्ट बताती है कि किस प्रकार से फिनांशियली आप अपने लाइफ को कई दफ़े काफ़ी मुश्किल की तरफ लेती हुई चली जाएंगे। जो स्थिति यहाँ पर बन पड़ी है यह स्पष्ट बताती है कि ऐसे लोग अपने जीवन में आर्थिक तौर पे बड़ी परेशानियों से जूझेंगे, लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर आपकी हथेली पूरी जब हम विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि जहाँ तक अकूत संपत्ति का मालिक होगा, आखिर ये विरोधाभास इन दोनों के बीच क्यों आ रही है। देखो, सामान्य तौर पे अगर आप देखेंगे तो प्रथम की जो स्थिति है ये अगर काफ़ी प्रथम पोर अगर पतली अवस्था में है, मध्य के क्षेत्र में बिल्कुल भी क्रॉस करते हुए निशान नहीं है, और अंतिम पोर प्रथम पोर से ज़्यादा बड़ा होते हुए चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में बताता है कि जातक अपने जीवन में बेहतर धन की प्राप्ति करेगा, लेकिन उसी तेजी से अपने धन को कहीं ना कहीं बर्बाद करने की स्थिति में भी बढ़ेगा। तो ऐसे लोग ज़्यादातर मामलों में अपने धन को गंवा देते हैं और इस कारण वो मुश्किल स्थिति की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है।
बिल्कुल तौर पे सावधान रहने की जरूरत है, ज़्यादातर ठग लोग आपको अपने जीवन में मिलेंगे। इसके अलावा अगर बाहरी क्षेत्र में देखें तो आपकी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर की स्थिति बिल्कुल सीधी है और इसका झुकाव तनिक भी आपकी मध्यमा उंगली की तरफ मिडिल फिंगर की तरफ नहीं है। जब भी ऐसी स्थिति है ये आपको मुखर बनाएगी, ठीक है। एक समय आएगा जब भी आपको सीधा बोलने वाला और किसी को अच्छा लगे बुरा लगे इन सब सोच से बाहर करके बिल्कुल अलग व्यक्तित्व देने का काम करेंगे और उस समय फिर आप सफलता के जो सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करेंगे ना तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कोई बात ही नहीं आएगी। हालांकि ये हो पाएगा या नहीं ये आपके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि ये चीज़ें आपके निर्णय से प्रभावित होंगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपके जो कनिष्का की स्थिति है ये बताती है कि लोगों की बातों से आपका जीवन बहुत प्रभावित होता है फिलहाल, तो उससे थोड़ा सा अलग रहने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे आपके गुरु के क्षेत्र की। दाहिनी हथेली की जो स्थिति है यहाँ पर स्क्वायर के साइन की स्थिति बन रही है जो कि आपके हक में है, बेहतर है, लेकिन जिस अनुसार आपको अपने जीवन की सफलता के लिए मेहनत करनी चाहिए वर्तमान में उस मेहनत से आप कोसों दूर हैं और इस कारण चीज़ें जो अब तक मिल जानी चाहिए थी वो आपके लिए डिले होती चली जा रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शनि की स्थिति फिलहाल आपके लिए अच्छी है, अन्यथा अभी कुछ और मुसीबत आनी थी जिससे स्वतः ही आप बच गए। पिछले महीने भर में अगर किसी प्रकार से किसी लौह से यानी कि लोहे से अगर चोट लगी है, कहीं खून रक्त तक निकल आया है तो फिर बहुत अच्छा है और वैसी ही स्थिति हुई है, अन्यथा व्यक्ति के जीवन पर एक स्पष्ट खतरे का संकेत दे रही थी। इसके अलावा आपके सूर्य की स्थिति को देखें तो यहाँ पर बिल्कुल जैसा आपकी डेस्टिनी में है उसी प्रकार से यहाँ की स्थिति भी चल रही है, जब तक को अपने पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विवाह की बेला बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, प्रेम बिल्कुल दूर जाने वाला है और नए व्यक्ति का आगमन होने वाला है जो कि आपके जीवन को सुखों की तरफ लेके जाएगा। बिल्कुल भी मत घबराना और नियति को स्वीकार करना। आगे हम बात करेंगे आपके हृदय रेखा की स्थिति की। जैसा आप इसे बना के रखना चाहो उस प्रकार से आपका साथ देगी, अभी तक इसने आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन आगे अगर आपने अपने मन की तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए खराब होती चली जाएंगी। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आपका सहयोग कर रही है तो अपने चरित्र को बचाते हुए आगे बढ़ने की आपको तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा आपका एक सवाल था कि नौकरी में देखो बी ग्रुप के लिए आप निश्चित तौर पर कोशिश कर रहे हो, उसी में आपके लिए सफलता की योग है। ग्रुप ए के लिए भी आप कोशिश कर सकती हैं लेकिन उतने समय तक आपका सब्र शायद टूट ना जाए और उसके योग भी कम है इसलिए उसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं। इसके अलावा आपकी जीवन रेखा की स्थिति यहाँ भी बिल्कुल अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। जीवन के लिए मत सोचना, ठीक है। एक था ये आपका लाइफ लाइन छोटी, बिल्कुल छोटी नहीं है, बहुत अच्छी है। आपकी मनमंत्र की रेखाएं के साथ जो रेखा ये भी अच्छी है और मोर देन 75 और 80 प्लस ही जाना है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल की जो रेखाएं हैं स्पष्ट तौर पे आपको सपोर्ट कर रही हैं और आगे भी आपको सपोर्ट करने का ही काम करेगी। मध्य के क्षेत्र में यहाँ का जो केतु है फिलहाल थोड़ी थोड़ी सुसुप्ता अवस्था से बाहर की तरफ निकल रहा है, जागृत हो रहा है जो कि आपके हक में जाएगा, लेकिन भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमजोर है और भाग्य रेखा की स्थिति कमजोर होने के कारण आपके लिए यहाँ पर मुश्किल है। शुरुआती दौर में जिस भी काम को करोगे ना आएगी ही आएगी, लेकिन आपको अड़ जाना है, ठीक है, और फिर देखना चीजें स्मूथली आप चीजों को बेहतर तरीके से करना शुरू कर देंगे। बीच में जो महालक्ष्मी योग की स्थिति है ये भी आपके हक में है, काफी अच्छी है और बाकी जो लकीरों की स्थिति है वो भी आपके हक में बेहतर गति से आगे की तरफ चलती चली जा रही है। आगे के जीवन में दो नाव पुतो फलो वाली ही कहानी होने वाली है, ठीक है, तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं होगी। शुक्र की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, विदेश यात्रा के भी योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन क्या लॉन्ग टाइम सेटलमेंट की जैसी स्थिति है? नहीं, वैसा नहीं होगा। आप जाएंगी और जैसे कि मान लो 6 महीने रह गए फिर आ गए, ऐसी कोई कंडीशन होगी, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। जीवन के 42वें वर्ष से पहले पहले आप फिर से इंडिया में ही सेटल होने की कोशिश करेंगे। उसके मध्य में आप घूमने फिरने के लिए 2-3 बार जा सकते हो और आफ्टर 65 और 68 जा तक विदेश में ही अस्थायी तौर पर बसने की कोशिश कर सकता है या बस ही जाएगा। ऐसे योगों को आपकी रेखाएं स्पष्ट करने का काम कर रही है। अगर किसी भी प्रकार के बिजनेस की तरफ अगर आप हाथ बढ़ाते हैं या किताब लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपका सफलता के योग है। अगर एक्टिंग से संबंधित चीज़ों को आप करना चाहें पार्ट टाइम में तो इन चीज़ों को कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में आपकी स्थिति काफ़ी शानदार है और ये आपको लोगों के बीच फेमस करने का भी काम करेंगी अगर आप चाहें तो। मध्य के क्षेत्र में क्रॉस की स्थिति आपके अंदर के टैलेंट को स्पष्ट तौर पर दिखाने का काम कर रहा है और एक चमकते सूर्य को भी
स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है। जज्बातों को अपने ऊपर कभी भी हावी ना होने दें, ये आपको हमेशा कमजोर करेगी और मुश्किल की तरफ लेते हुए चलती चली जाएंगे। अब हम जो आपके अंगुष्ठ का क्षेत्र है उसके बारे में अगर बात कर लें तो यहाँ की स्थिति बिल्कुल उसी तरीके की है, सामान्य है। मणिबंध की रेखाओं की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम रेखा काफ़ी सुंदर और पूरे एरिया को कवर करते हुए जा रही है और ये ध्वंसाकार स्थिति एक बेहतर जीवन शक्ति को दर्शाने का काम कर रही है। आप स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो आप उसे संभाल लेंगे, ठीक है, मुश्किल नहीं आएगी। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।